Hello friends, my name is Santosh Singh, CHS consultant. Friends, today we will discuss about committee handover process and the checklist. Friends, as we know, हम सभी किधर न किधर private sector, government sector में job करते हैं और वहाँ पे भी जब भी resignation देते हैं तो एक proper resignation letter, then notice period serve करते हैं, then we give the handover to new team or the new colleagues और उसके बाद we leave the organization. In the same way, दोस्तों, if we are a office bearer in housing society, we should behave in the same way, in a professional way. So, we should complete the professional way mein handover process complete karke tabhi jana chahiye, taki new committee ko bahut helpful hota hai document ke liye and contact number of vendors and the work process. Ye sari samajhne mein easy hota hai. Aur dusri baat, agar committee ko experience hai housing societies mein, उन्होंने पहले भी संभाला हुआ है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर कमेटी बिल्कुल नहीं हुए तो उनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में. तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं. मैंने कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं अपने अंडरस्टैंडिंग एंड अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि हैंड ओवर प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए. तो फ्रेंड्स, हैंड ओवर प्रोसेस के लिए सबसे पहले ओल्ड कमेटी और न्यू कमेटी को म्यूचुअली डिस्कस करके एक डेट फिक्स करना चाहिए, और जो डेट है उसके बाद टाइमिंग की बात आती है. टाइमिंग भी आप 4 to 5 hours मिनिमम रखिए, ताकि आप अच्छे से न्यू जो कमिटी है उसको हर एक चीज़ को आप एक्सप्लेन कर पाओ, और कमिटी अगर न्यू है तो उसको टाइम भी लगता है अंडरस्टैंड करने के लिए. तो इसके लिए जो ओल्ड कमिटी के सेक्रेटरी या चेयरमैन है उनको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहिए जो उनको पुरानी कमिटी से या बिल्डर से मिला हुआ है. तो सेम वो रिफर कर सकते हैं, वही डॉक्यूमेंट जो उनको बिल्डर से मिला हुआ है पुरानी कमेटी से, और उसके बाद वो न्यू एडिशन कर सकते हैं जो उन्होंने मेंटेन करना स्टार्ट किया. तो एक पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप न्यू कमेटी के सामने रख दीजिए, और न्यू कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो कवर्ड में किधर रखी हुई है और उसको एक एक फाइल्स को ओपन करके चेक करें प्रॉपर, ताकि उनको बाद में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो और वो उनको ओल्ड कमेटी को फोन ना करना पड़े. तो आप पूरा प्रॉपर एक एक फाइल्स, एक एक पेपर को ओपन करके चेक करिए. अगर कुछ मिस हो गया है तो वो नोट डाउन कर लीजिए अलग से, और उसको बाद में एक आप प्रॉपर लेटर बना दीजिए मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के. तो दोस्तों, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस्ड है और वो इम्पोर्टेंट है तो आप पुरानी कमेटी को पूछ सकते हैं कि भाई आप प्रोवाइड करने वाले हैं, कब तक प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा आप एक जनरल बॉडी बुला लीजिए, ताकि सारे मेंबर्स और ओल्ड कमेटी के बीच में एक ट्रांसपेरेंट वे में कम्युनिकेशन हो पाए कि ओल्ड कमेटी ने न्यू कमेटी को ये सारे डॉक्यूमेंट दिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट कुछ जो पेंडिंग्स है ये पेंडिंग्स है, ये ओल्ड कमेटी के पास भी नहीं था या उनसे मिस हो गया है. ये डॉक्यूमेंट हमें डुप्लीकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी या तो लोकल अथॉरिटी जहाँ से भी लेना है वहाँ से लेना पड़ेगा. तो एक ट्रांसपेरेंट वे में सबके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा और किसी को कुछ बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ताकि कभी कोई मेंबर क्लेम करे तो आप बता सकते हो भाई हैंडओवर प्रोसेस में आपको इतने ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं जो कि जनरल बॉडी में आप ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं. नेक्स्ट होता है दोस्तों जो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. प्रॉपर्टी रिलेटेड, सोसाइटी रिलेटेड जो कि आफ्टर सोसाइटी कमिटी को मेंटेन करती है, एंड थर्डर अकाउंट रिलेटेड, वो भी सोसाइटी फॉर्मेशन होने के बाद न्यू कमेटी को मेंटेन करना होता है. तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं. प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या क्या होती हैं. दोस्तों, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आपकी सोसाइटी के लिए अप्लीकेबल है या नहीं है. डिपेंड ऑन योर लोकेलिटी एरिया एंड योर बिल्डिंग. अगर बिल्डिंग छोटी है तो उसमें जैसे एम्यूनिटीज हैं वो नहीं होंगी, लिफ्ट है वो नहीं होंगी, तो वो सारे पेपर नहीं होंगे. तो वो कॉमन अंडरस्टूड है कि आपके जो बिल्डर ने हैंडओवर लिस्ट दिया हुआ है वो हैंडओवर लिस्ट ही आप आगे अपने न्यू कमेटी को प्रेजेंट करिए. ओके दोस्तों, तो जैसा आप देख रहे हैं, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट बाय एरिया ऑफ ईच फ्लैट, कॉमन एरिया एंड पार्किंग एरिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड आरसीसी प्लान एंड क्लियरेंस टू ऑपरेट एलिवेटर, एनओसी from fire department, NOC from electrical department, approved CC plan, approved OC building plan by local municipal body, AMC of documents like the lift, transformer, pump, generator, undertaking or promissory note by the builder to complete the pending work, drawing of water piping, STP drawing and certification
by pollution control, drying of electrical wiring, all legal document executed between builder and owner, legal undertaking by builder regarding indemnity and limitations liabilities of society, NA order, approved construction plan, extract of Satbara, CTS and mutation entry, land agreement for development rights, city survey map or Tikka set. And second one is the society related. दोस्तों society related document में भी जरूरी नहीं है कि societies ने ये सारे जो मैं यहाँ पे display कर रहा हूँ maintain ही किए हों. अगर maintained नहीं किए हैं तो new committee की responsibility है वो as per bylaws जो भी statutory registers and account related चीज़ें हैं वो maintain करना start कर दें. Okay, blame करने से कुछ फ़ायदा नहीं है कि आपने क्यों नहीं maintain किया. ठीक है, उन्होंने जितना maintain किया है आप उसके आगे आप start करिए maintain करने के लिए. तो जो सोसाइटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड सोसाइटी बायलॉज बुक विद मेंबर लिस्ट एंड एक सेपरेट मेंबर लिस्ट भी बिल्डर प्रोवाइड करता है जिसमें बिल्डअप एरिया, कार्पेट एरिया, फ्लैट नंबर, ओनर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर होता है, वो लिस्ट होनी चाहिए. शेयर सर्टिफिकेट, सेल डीड कॉपी ऑफ ऑल मेंबर, कार पार्किंग एलोकेशन एंड मार्किंग रिकॉर्ड, वेंडर कॉन्टेक्ट एंड वेंडर वर्क ऑर्डर्स, लिस्ट ऑफ एमिनिटीज इन सोसाइटीज, मिनट बुक ऑफ जनरल बॉडी AGM, SGM, मिनट ऑफ मैनेजिंग कमेटी MCM, शेयर रजिस्टर, नॉमिनेशन रजिस्टर, आई फॉर्म रजिस्टर, जे फॉर्म रजिस्टर, नॉमिनेशन फॉर्म फाइल एंड मेंबरशिप फॉर्म फाइल, लिफ्ट लाइसेंस, पैन कार्ड, GST इफ एप्लीकेबल, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, इनवाइस एंड वारंटीज ऑफ ऑल द असेट लाइक द पंप, लिफ्ट, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर एक्सेट्रा, डिटेल लिस्ट ऑफ वर्क पेंडिंग टिल डेट एंड प्लान्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, असेट रजिस्टर, मेंबर लोन रजिस्टर, NOC फाइल्स, अमेंडेड बायलॉज ऑफ सोसाइटी प्रोवाइडेड बाय रजिस्ट्रार इफ एप्लीकेबल, एंड द स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड ऑडिट रजिस्टर्स, एसोसिएट मेंबर रजिस्टर, फाइल ट्रांसफर, फ्लैट ट्रांसफर रजिस्टर, कंप्लेंट रजिस्टर and correspondence thereof, counter file of share certificates, society email ID and password, society software login ID password, and also take the admin rights for that, all soft copy and folder detail. अगर society के पास computer laptop manage किया हुआ है तो society उस computer या laptop में सारे folder and files आप देख लीजिए कहाँ पे कौन से documents रखे हुए हैं. Application for registering of society statement A and statement B. And third is account related. Account related is a district cooperative bank account statement जिसमें आपका share capital है, all bank account passbook and statement, previous year audit report, previous years जितने भी ledgers and books of accounts है वो, petty cash registers, FD certificate, FD है तो original FD certificate, previous year vouchers files, जितने भी सोसाइटी जब से स्टार्ट हुई तब से आपके पास सबके बिल्स एंड वाउचर्स होने चाहिए, काउंटर फाइल ऑफ चेक ऑल इशूड, सारे जितने भी चेक इशू हुए उसके काउंटर फाइल्स. दोस्तों अकाउंट रिलेटेड चीज़ें तो कंपलसरी ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए. अगर सोसाइटी ने मेंटेन नहीं किया है तो आप स्टार्ट करिए मेंटेन करने के लिए. ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको कुछ भी डाउट्स किसी भी टॉपिक्स पे है तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. Whenever I will get the time, I will make a video for you. Friends, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, एंड वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि मेम्बर्स के बीच में आपके जो सोसाइटीज के मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कमिटीज हैं, उनके बीच में सोसाइटी रिलेटेड जो भी न्यू आपका रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस आते हैं गवर्नमेंट से, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ती रहे. ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.